नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे साउथर्न रेलवे के मदुरई डिवीजन में हुए 4/5/2024 यानी कि 4 मई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं। तो ये अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। 52 kg रेल का हाइट, तो 52 kg रेल की ऊंचाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 156 mm, यानी इसका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक मंडल अभियंता जो है शंपार फाटक का निरीक्षण कितने दिनों के बाद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 6 महीने में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। SSCPWay द्वारा प्राइवेट साइडिंग का पुनरीक्षण, तो प्राइवेट साइडिंग का पुनरीक्षण इंचार्ज जो है कितने दिनों में करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में। तो यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। JEPWay द्वारा यात्री टर्नआउट का पुनरीक्षण क्रमवार से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 3 महीने में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। JEPWay द्वारा पूरे सेक्शन का पुश ट्रॉली पुनरीक्षण कितने दिनों में करे जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 15 दिनों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शेड्यूल इंस्पेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप भी JEPWay की तैयारी करते हैं तो मेरे द्वारा एक शेड्यूल इंस्पेक्शन का वीडियो बना हुआ है, आप उसे भी देख कर शेड्यूल इंस्पेक्शन को कम्प्लीट कर सकते हैं। JEPWay द्वारा संपार फाटक का पुनरीक्षण, तो संपार फाटक का पुनरीक्षण कितने दिनों में करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। JEPWay द्वारा नाइट में पेट्रोल मैन का पुनरीक्षण, यानी पेट्रोल मैन के जो जांच करते हैं तो वो कितने दिनों में करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR में PSC स्लीपर के अलावा न्यूनतम स्लीपर घनत्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1540, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। SWR में न्यूनतम ब्लास्ट कुशन, तो SWR में न्यूनतम ब्लास्ट कुशन कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 mm, यानी इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। मिनिमम ट्रैक सेंटर फॉर न्यू ट्रैक, तो नए ट्रैक के जो है सेंटर ट्रैक सेंटर से सेंटर दूरी कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5300 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEPWay की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए JEPWay प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। द इनिशियल सीव एनालिसिस ऑफ ब्लास्ट बाज डन हाउ मैनी क्यूब मीटर सप्लाई, तो ये जो है गिट्टी का सीव एनालिसिस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका क्या रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बी मार्क पर स्पीड पोटेंशियल, यानी बी मार्क का जो स्पीड रहता है तो वो कितना रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 130 km/h, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। हाई लेवल प्लेटफॉर्म के रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई, इसका आंसर हो जाएगा 840 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चंपार फाटक पे चेक रेल का गैप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 से 57 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। चंपार फाटक में चेक रेल की लंबाई, तो चेक रेल की लंबाई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोड की चौड़ाई से 2 मीटर अधिक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से देखिए, अगर संपार फाटक है और रोड की चौड़ाई है, रोड की चौड़ाई से 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर चेक रेल होना चाहिए। 60 kg रेल के फ्लैंज की चौड़ाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100
50 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। DRM का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डिविजनल रेलवे मैनेजर। JEE द्वारा वर्ष में सबसे ठंडे और गर्म माह के अलावा LWR का पुनरीक्षण, तो ठंडे और गर्मी माह को छोड़कर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 माह में, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 60 kg 90 UTS रेल की सर्विस लाइफ होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। हाउ मैनी क्रॉस मार्क इन द डिफेक्टिव बेल्ट, तो डिफेक्टिव बेल्ट रहेगा तो उसको कितने क्रॉस किए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। IMR खराबी में कितने क्रॉस मार्क होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 क्रॉस, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। IMR खराबी में कितने दिनों में बदल देना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिनों के अंदर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। DFWR खराबी को कितने दिनों में बदल देना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 दिनों के अंदर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। IMR खराबी में कम से कम कितना का कॉशन ऑर्डर लगाया जाता है, यानी गति प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। रेल ट्रैक्शन के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा IMR, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। हाफ मून खराबी कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 45 डिग्री हो जाता है, कहीं कहीं आपको 70 डिग्री भी देता है। जंग लगने वाले क्षेत्रों में एंटी क्रोसिव पेंट को कितने कोट रेल को लगाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कोट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 किलोमीटर से अधिक साइडिंग में न्यूनतम स्लीपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1660, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। चैनल स्लीपर में अधिकतम स्पेक्शन, यानी कि चैनल स्लीपर में जो स्पेसिंग होता है ये कितना का होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 mm का, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ERC मार्क 3 का टू लोड, तो ERC मार्क 3 का टू लोड क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 850 से 1100, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। जंक ना लगने वाले क्षेत्रों में ERC का लुब्रिकेशन कितने समय में किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 साल में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जंक लगने वाले क्षेत्रों में ERC का टू लोड कितने समय में मापा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष और 100 GMT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। TSR CTR के समय न्यूनतम ब्लास्ट कुशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 300 mm। LWR में न्यूनतम ब्लास्ट कुशन, इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम 250, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। SWR में न्यूनतम ब्लास्ट कुशन, इसका आंसर भी 250 mm हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 mm वर्गाकार जाली में प्रगति रोटेशन की 10% मात्रा, यानी जो गिट्टी ब्लास्ट रहता है 20 mm के साइज के कितना परसेंट होना चाहिए, तो 98% से कम नहीं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डी मार्क पर स्पीड पोटेंशियल, यानी स्पीड डी रूट के कितने रहेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ हाइड लेवल प्लेटफॉर्म फॉर्म रेल लेवल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 840, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्टेशन यार्ड में नए कार्य के लिए
अधिकतम ढलान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:12, यानी इसका आंसर 1:1200 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग में जोड़ को गैपलेस बनाने के लिए रेल होल का व्यास कितना mm रखना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ 26.5 भी आपको कहीं मिलेगा। 1:12 फैन शेप टर्न आउट का हिल डाइवर्सेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 175 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। टर्न आउट में चेक रेल का गैप कंक्रीट स्लीपर के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 41 से 45, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। लीड में बरसाइन मापने के लिए कार्ड की लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर की, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 मीटर के कार्ड लेंथ से मापा जाएगा। 1:12 कर्व टर्न आउट में अधिकतम अनुमत गति, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कंक्रीट स्लीपर वाले शंपार फाटक में ओवरहॉलिंग कितने समय में किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी शंपार फाटक को कितने साल में ओवरहॉलिंग किया जाएगा, तो 2 वर्षों में। गेटमैन की मेडिकल कैटेगरी, तो इसका आंसर हो जाएगा A3, यानी कि डी हो जाएगा। स्पेशल क्लास शंपार फाटक का TBU, तो इधर हो जाएगा मोर देन 50,000, यानी इसका आंसर 50,000 से अधिक हो जाएगा। रोड मेटलिज एंड गेट लाज की न्यूनतम दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग गेट पर पहला पटाखे की दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बिजी ट्रैक पर गाइड रेल एवं रनिंग रेल के बीच अंतराल, तो इसका आंसर हो जाएगा 250 ± 50, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बीजी पुलों पर गार्ड रेल के पूछते भाग पर इसकी लंबाई, तो इसका जो है गार्ड रेल जो लगाया जाता है पुल के ऊपर, इस तरह से समझिए, तो उसका लेंथ पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 4875, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टनल में 2 ट्रॉली धरों के बीच की अधिकतम दूरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। पुल का इंस्पेक्शन मानसून से पहले कौन करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा SSC इंचार्ज, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। SSC PV द्वारा टनल का पुनरीक्षण मानसून के बाद कितने समय में किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सालों के बाद, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मशीन टैंपिंग के बाद न्यूनतम साफ ब्लास्ट कुशन होना चाहिए, तो मशीन टैंपिंग के लिए न्यूनतम ब्लास्ट कुशन कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मैदानी में प्रगति के चट्टे की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, यानी गिट्टी का जो है ढेर कितना मीटर तक ऊंचा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रगति के चट्टे का अधिकतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम ऊंचाई कितना तक हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्लास्ट का एब्रेशन टेस्ट किस मशीन द्वारा किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस एंजलेस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीजी रूट पर प्रगति का अधिकतम साइज होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 65 mm तक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्लास्ट स्ट्रोक का साइज स्लोप आपसे फ्लेटर नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5:1, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से होनी चाहिए, अगर ये 1 है तो ये 1.5 होनी चाहिए। SWR की न्यूनतम लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ LWR का जो है लंबाई मैक्सिमम कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
एक ब्लॉक सेक्शन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रियल तापमान क्षेत्रों की संख्या, तो रियल तापमान क्षेत्र कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 तापमान क्षेत्र, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे पुल जहां LWR अनुमत नहीं है, पुल से कम कितनी दूर पर ACJ डाला जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 30 मीटर बाद, यानी इसका आंसर यह हो जाएगा। LWR में BG पर न्यूनतम रेल सेक्शन कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 52 kg का होना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व इन BG LWR, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 degree, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE PVA की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE PVA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो WhatsApp से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। LWR में BG पर रिवर्स कर्व का न्यूनतम त्रिज्या कितना होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 875 मीटर, यानी इसका आंसर बी होगा। रिवर्स कर्व देखिए इस तरह से रहता है, अगर इधर से गया तो ये बीच में सीधा होगा 50 मीटर, फिर से एक कर्व बनेगा, तो वो रिवर्स कर्व का जो त्रिज्या 875 मीटर होना चाहिए। LWR में सीधे रास्ते में शोल्डर ब्लास्ट की चौड़ाई, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 350 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR में डिस्ट्रेसिंग के समय गति की सीमा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 km/h, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR में डिस्ट्रेसिंग के समय ACJ गैप, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR में मेट कितने स्लीपरों में से एक स्लीपर बदल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 स्लीपर में 1, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR में गर्मी की गश्त की बीट की सिंगल लाइन में कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR में दो ग्रेडों के बीच बीज गणितीय अंतर कितने से अधिक होने पर वर्टिकल कर्व बनाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वेल्डिंग करते समय 1 मीटर के स्ट्रेट एज रेल को मापने के लिए लेटरल टॉलरेंस कितना होनी चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ±0.5 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वेल्डिंग करते समय कितने स्लीपर तक लूज किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5-5 स्लीपर दोनों साइड, अगर बीच में वेल्डिंग है तो इधर भी 5 इधर भी 5 खोला जाना चाहिए। वेल्डिंग करते समय फाइनल ग्राइंडिंग कितने समय के अंदर की जानी चाहिए, इसका देखिए मैक्सिमम कुछ भी नहीं है लेकिन 24 घंटे के बाद कहीं कहीं मिलेगा आपको, ये आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग पेंटिंग कितनी लंबाई तक दोनों तरफ करनी चाहिए, इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपको 50 cm इधर और 50 इधर, यानी 100 cm हो जाएगा। इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स डिपार्टमेंट बेल्डर, यानी बेल्डर का जो है इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स जो है कितने दिनों तक रहता है, इसका आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। USFD का प्रोड कोडेड नेम, यानी कि USFD का फुल नाम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगे कौन सी तरंगे है, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेलों की USFD के समय प्रफेक्ट के नाम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
आई एम आर एंड ओ बी एस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नए एटी बेल्ट का प्रथम परीक्षण कब होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अस्थाई गति प्रतिबंध को मंडल द्वारा जारी पुस्तक में कौन सा पुस्तक में दर्शाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग टाइम टेबल में, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। बीजी पर बैनर फ्लैग का कार्यस्थल से कितने दूर पर लगाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर पर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बैनर फ्लैग क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये अस्थाई प्रस्तर रोक प्र सिग्नल, यानी कि टेम्प्ररी स्टॉप सिग्नल है, इसका आंसर ये हो जाएगा। मानसून पेट्रोलमैन बिट लेंथ, मानसून पेट्रोलमैन के बिट लेंथ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, इसका आंसर बी हो जाएगा। पेट्रोलमैन की सामान्य गति कितना होना चाहिए प्रति किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर ए हो जाएगा। कंसोलिडेशन के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डीटीएस, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यूनिमेट एक बार में कितने स्लीपर पैकिंग कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 स्लीपर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पीआरसी स्लीपर के पैकिंग की आवृत्ति क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 GMT 2 ईयर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। SBCM मशीन का प्रति घंटे प्रभावी प्रोग्रेस क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रेल थर्मामीटर से, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मैक्सिमम टाइट गेज कैन बी मेजर बाय गेज कॉम लेवल, गेज लेवल से कितने टाइट गेज तक मैक्सिमम मापा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 mm तक, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। भारी रेल पथ सामग्री जैसे स्लीपर रेल गाइंडर आदि ट्रैक पर रखते हैं तो वो क्या माना जाएगा, तो वो डिप्लोरी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बीजी कर्व की न्यूनतम त्रिज्या कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 175 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 10 डिग्री। विशेषतर एक गैंग में 10 ट्रैकमैन होते हैं, वे 60 दिनों की अवधि में ट्रैक की विशेष लंबाई की ग्रीसिंग पूरी करते हैं। एक महीने तक गैंग में काम करने के बाद प्रगति में सुधार के लिए सहायक इंजीनियर द्वारा 10 ट्रैकमैन वाला एक और गैंग अतिरिक्त रूप से तैनात किया गया, तो शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15 दिनों में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि डैश है, इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मंडल रेल प्रबंधक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्रीय रेलवे कार्यभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महाप्रबंधक, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए किस क्रम में बोर्ड को लिखे जाते हैं, तो पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम के धारा के 3-3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कितने माह तक एक वेतन वृद्धि के बराबर वैकल्पिक वेतन दिया जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के सर्वोच्च में प्रयुक्त भाषा का उल्लेख है? न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुसूची में राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आठवीं अनुसूची, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दृष्टि से राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीन क्षेत्रों में, क ख ग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राजभाषा के उपयोग के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क क्षेत्र में। 52 kg CMS क्रॉसिंग के मापे गए हिसाब को ढकने पर mm घटाया जाएगा। तो 52 kg CMS क्रॉसिंग को मापने के लिए एक्चुअल निकालने के लिए कितना mm घटाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 mm। अगर 60 kg रहेगा तो 2.5 mm। ई मार्क का स्पीड पोटेंशियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा तक, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।